हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गई हुई जो तासिका थी उसमें हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ली है। अब इस तासिका में आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। औपचारिक पत्र जो होता है उसे कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। ध्यान में रखिए, अब यहाँ पर आपके सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसमें देखो, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र आते हैं। अब यह जो पत्र है, यह सारे पत्र ऑफिस में मतलब कार्यालय में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उसे औपचारिक पत्र या कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। अब देखो, औपचारिक पत्र के जो अंग होते हैं या फिर औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। अब देखो, अनौपचारिक पत्र में आपने जिस प्रकार बाई और अपना पूरा पता वगैरह लिखा था, उनका नाम दिनांक वगैरह जो कुछ था, उसी प्रकार यहाँ पर भी जिसे आप पत्र लिख रहे हो उनका नाम या फिर पद, जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, इस प्रकार आप लिख सकते हो, या फिर उस कार्यालय का जो समझो पद है उनका, तो उस पद के लिए जैसे मैनेजर होगा तो मैनेजर के लिए मैनेजर साहब, इस प्रकार आप पद उनका नाम लिख सकते हो, उनका पता लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अनौपचारिक पत्र में विषय का जो ब्यौरा था तुम्हें उस परिच्छेद में लिखना था अभिवादन के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पूरा पता लिखने के बाद, दिनांक लिखने के बाद विषय जो है वो विषय कम शब्दों में वहां पर लिखना होता है। जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो केवल एक वाक्य में उसका उल्लेख कीजिए। जैसे तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2 दिन की छुट्टी मिलने हेतु, उसी प्रकार। अब संबोधन क्या आएगा, यहाँ पर संबोधन बहुत जरूरी है, जैसे अनौपचारिक पत्र में था उसी प्रकार संबोधन। अब जिसे आप पत्र लिख रहे हो उनके लिए महोदय, माननीय या फिर आदरणीय, इस प्रकार के संबोधन आप लिख सकते हो। जैसे देखो, आगे हम देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत सुंदर तरीके से स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आ गया। आप देखो, विषय लिखने के बाद महोदय हो गया संबोधन। अब विषय वस्तु जो है वो 2 अनुच्छेदों में लिखनी होगी। पहला अनुच्छेद क्या है कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके बारे में, या आपकी समस्या कुछ भी हो तो उसके बारे में आपको पहला अनुच्छेद लिखना है। अब दूसरे अनुच्छेद में आप क्या अपेक्षा रखते हैं, तुम्हारी पहली समस्या क्या है कि तुम्हारे घर में बहन की शादी है तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से, बराबर है। अब दूसरे परिच्छेद में क्या लिखोगे कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं जिनसे आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो मुझे 2 दिन की छुट्टी दे, ऐसा कहते हुए लिखिए। और आखिर में बाई साइड में ही धन्यवाद लिखिए, और नीचे उसी के नीचे आपको किस प्रकार, जैसे आपका आज्ञाकारी, आपका पार्थी, इस प्रकार, या फिर भवदीया अगर कोई महिला हो तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और उसके नीचे अपना नाम, अपनी स्वाक्षरी साइन जिसे कहते हैं वो, और फिर आपका पता लिख सकते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप किसी स्कूल में हो, उसी स्कूल के प्रधानाचार्य को आपने पत्र लिखा है तो स्कूल का पता लिखने की या फिर अपने घर का पता लिखने की जरूरत नहीं, अपनी जो कक्षा है वो लिख सकते हैं। लेकिन आप समझो कहीं बाहर के हैं, किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं दूसरे, तो दूसरे कार्यालय में लिखते समय जब आखिर में आप बहुदीय लिखकर अपना केवल नाम लिखकर मत रखिए, अपना पूरा वहां पर घर का पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड जो है वो सारी बातें यहाँ पर नीचे आनी बहुत जरूरी होती है। यह होता है कार्यालयीन पत्र का नमूना। अब देखिए, मैंने कहा वहां पर हस्ताक्षर वगैरह, शहर का नाम, दिनांक, ये सारी बातें तुम्हारी हो गई। अब देखो, आपको पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको दिया है। देखिए, यहाँ पर प्रधानाचार्य को हमने प्रार्थना की है, प्रार्थना पत्र के द्वारा
सेवा में प्रधानाचार्य जी संत तुकाराम मॉडल स्कूल वगैरह पता लिखा है। विषय क्या है? हिंदी अध्यापक के लिए आवेदन पत्र। अब ये हिंदी अध्यापक के लिए मतलब उस स्कूल में हिंदी अध्यापक की जगह है, इसलिए वहां पर हमें प्रार्थना किए पत्र। अब देखो किस प्रकार लिखा है, आदरणीय महोदय, उपरोक्त विषयानुरूप सविनय निवेदन है कि मैं सतीश अम्बाला साहब ने अपने विद्यालय में अध्यापक पद के लिए सेवा करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी। अब ये हुआ मुख्य विषय या समस्या जो थी वो हम पहले परिचय। अब दूसरे परिचय में क्या है, आता आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे साक्षात्कार को आमंत्रित कर सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ये दूसरा परिचय, एक लाइन में लिख सकते हो, एक पंक्ति में, दो पंक्ति में हो सकता है। और आखिर में देखो भवदीय, स्वल्प विराम देकर अपना पूरा नाम और यहाँ पर आपका पूरा पता होना चाहिए। अब ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं, मैंने पता नहीं लिखा, लेकिन आप देखो दूसरी जो स्लाइड है यहाँ पर आपको उसका नमूना मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर किस प्रकार है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, हाँ जो पता है वहां पर, विद्यालय का पूरा नाम पता, फिर विषय एक ही पंक्ति में विषय है, फिर महोदय महोदया श्रीमान जी, ये संबोधन आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर अभिवादन और संबोधन एक साथ आ जाता है। अब यहाँ पर जो ये खुली जगह दिख रही है ना आपको, यहाँ पर क्या है देखो, पत्र का विस्तार या मुख्य विषय वस्तु जो विषय है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आखिर में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आखिर में धन्यवाद ज्ञापन किस प्रकार करना है, आपका आज्ञाकारी, हाँ आपका पार्थी या भवदीय, फिर आपका जो नाम वगैरह है वो अच्छी तरह से लिखिए, उसके नीचे अपना पता वगैरह लिख कर आप यहाँ पर ये पत्र समाप्त कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, ये सीधा सरल उदाहरण बहुत ही देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार के विषय क्या है पता लिखा, विषय क्या दिया है, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, फिर महोदय लिखा, फिर जो कुछ भी आपकी जानकारी है वो पूरी जानकारी पहले परिच्छेद में लिखी, छुट्टी क्यों चाहिए, कब चाहिए वगैरह। फिर यहाँ पर आता आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। देखो कितना सुंदर है, फिर धन्यवाद, और उसी के नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिखिए जो है, फिर अपनी कक्षा लिखिए, रोल नंबर लिखिए अगर आप स्कूल में हो तो, और किसी दूसरे कार्यालय में पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर आपका नाम, आपके सिग्नेचर जो है वो, और फिर नीचे आपका पूरा पता होना बहुत जरूरी होता है। तो यह जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार आप इस औपचारिक पत्र को कार्यालयीन पत्र के रूप में देख सकते हैं। इसलिए पत्र के जो दो प्रकार है हमने देखे हैं, पत्र के जो दो प्रकार है, अनौपचारिक पत्र जिसे घरेलू पत्र कहा जाता है, औपचारिक पत्र जिसे कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। तो यह कार्यालयीन पत्र का, ये पत्र का दूसरा प्रकार है, इसे औपचारिक पत्र को कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्यालयीन कामकाजों के संबंधी पत्र है, इसलिए उसे कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। समझ में आए? तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं, पत्र के ये दो प्रकार आज तक हमने देखे हैं। इसके बाद जो व्याकरण का दूसरा भाग होगा वो हम अगली तासिकाओं में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, रुकते हैं यहाँ पर।